वयस्क मस्तिष्क में होती है वंशानुगत अंधेपन से उबरने की क्षमता। केनिया एनआई अक्सर कहा जाता है कि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य पाना कठिन नहीं है। विज्ञानी भी मानते हैं कि मानव मस्तिष्क की क्षमता असीमित होती है। हाल में ही विज्ञानियों ने एक नए शोध में बताया है कि वयस्क मस्तिष्क में वंशानुगत अंधेपन से औषधिक रूप से उबरने की क्षमता है। दृष्टिवेश का एक प्रकार है। यह 2 दर्जन से अधिक जीने में से किसी में होने वाला विकार रेटिना में फोटोरिसेप्टर में गिरावट या खराबी का कारण होता है। अध्ययन में बताया गया कि सिंथेटिक रेटिनॉइड्स नमक रेटिना को लक्षित करने वाले रासायनिक यौगिक LCA वाले बच्चों की आंखें में आंशिक रूप से रोशनी ला सकता है। विज्ञानियों की टीम यह पता लगाना चाहती थी कि क्या इलाज से वयस्कों की आंखों की रोशनी। इस अध्ययन को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज और स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने मिलकर में कुछ फर्क पड़ सकता है जनजात दृष्टिहीनों को नई रोशनी मिलने की आस पूरा किया है। शोध का निष्कर्ष कट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस अध्ययन में लेबर कंजेनिटल अमोरोसिस LCA के इलाज की नई तकनीक पर गहन मंथन किया गया। यह जनजात और न्यूरोबायोलॉजी के प्रोफेसर सुनील गांधी ने बताया कि शोध से मिले परिणाम से हम इस बात से चकित थे कि इलाज इस अध्ययन के लेखक फॉर द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी और ट्रांसलेशनल विजन रिसर्च के जरिए आंखों की रोशनी में औषधि सेंटर के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि सुधार देखा गया। गांधी UCI के सेंटर देखने की प्रक्रिया आंख से शुरू होती टेबर कंजमिटेड अमोरेसिस ATCA के इटाच की नई घिशी पर हुआ शोध करंट बायोलॉजी जनता में प्रकाशित हुआ है जो पूरे मस्तिष्क में संकेत भेजती है। यह मस्तिष्क के केंद्रीय सर्किट में है जहां दश्य धारणा वास्तव में उत्पन्न होती है। अब तक विज्ञानियों का मानना था कि मस्तिष्क को बचपन में उन संकेतों को प्राप्त करना चाहिए ताकि केंद्रीय सर्किट। गांधी ने कहा कि उपचार से वयस्कों में सेंट्रल विजुअल पाथवे सिग्नलिंग को काफी हद तक बहाल कर दिया गया था, खासकर वैसे सर्किट जो दोनों आंखों से आने वाली जानकारी प्राप्त करते हैं। उपचार के तुरंत बाद मस्तिष्क में 2 गुना अधिक न्यूरॉन्स को सक्रिय किया गया के निदेशक पाल्ज़ेवस्की रेटिनेस। यह उपचार वयस्कों में सेंट्रल विजुअल और दृश्य चक्र पर अपने काम के लिए पाथवे में अच्छी तरह से काम करता है। प्रसिद्ध है अध्ययन में फिजियोलॉजी और जब भी कोई ऐसी खोज होती है जो संभावना के बारे में आपकी अपेक्षाओं को नया आयाम देती है तो यह आपको एक व्यापक अवधारणा सिखाती है। यह नया शोध वयस्कों के केंद्रीय दश्य मार्ग को पूरी तरह से बचाने के लिए रेटिनेट थेरेपी के विकास में सहायता कर सकता है। शोध के विस्तृत अध्ययन के लिए गांधी और प्रथम लेखक कैरी हू ने इस परियोजना की शुरुआत की। उन्होंने नेत्र विज्ञान के प्रतिष्ठित प्रोफेसर क्रिस्टाफ पाल्ज़ेवस्की के साथ मिलकर काम किया। सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल विजन रिसर्च। गांधी ने कहा कि यह खोज रोमांचक शोध संभावनाओं के द्वार खोलती है। बायोफिजिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर फिलिप केसर ने भी मदद की खुद सही ढंग से कार्य कर सके।